लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऐसी ट्रिक्स बताई थी जिससे आप किसी भी नंबर का स्कोर 5 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर लोगे, बट आज मैं आपको जो ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट 2 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर लोगे। वीडियो एंड तक जरूर देखना, और ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स के यूनिट डिजिट्स बाय हर लर्न होने चाहिए, क्योंकि आज हम जो ट्रिक सीखने वाले हैं उसमें ये बहुत नेसेसरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर 529 का अंडर रूट फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट हमें यूनिट डिजिट देखना है जो कि यहाँ पर 9 है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 मिलेगा यूनिट डिजिट में, जो कि है 3 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट में 9 मिलेगा। उसे हमें रिमेंबर करके रख लेना है। फिर हमें लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के जो भी डिजिट बचेंगे उसके हमें देखना है कि वो किसके स्क्वायर के बीच में आएगा। जैसे कि 5 है तो 5 हमें देखना है कि किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा। वो आता है 2 के स्क्वायर के बीच में और 3 के स्क्वायर बीच में। अभी ये फाइंड आउट करना है कि वो किसके ज़्यादा क्लोज है। वो 2 के ज़्यादा क्लोज है और 2 छोटा नंबर है, इसीलिए 3 और 7 में हमें 3 को लेना है और 2 जो कि छोटा नंबर है उसे हमें 10 प्लस में ले लेना है। इससे हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 529 होता है 23। अब एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 7921 का हमें अंडर रूट फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? फर्स्ट हमें इसके यूनिट डिजिट को देखना है जो कि 1 है, और अभी चेक करना है कि 1 किस किस के स्क्वायर में आता है। वो आता है 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में, और उसे हम माइंड में सोच लेना है। अब 2 डिजिट छोड़ के हमें बचेंगे 79, तो 79 चेक करना है कि किस किस के स्क्वायर के बीच में आते हैं। वो आते हैं 8 के स्क्वायर के बीच में और 9 के स्क्वायर के बीच में, और 79 ज़्यादा क्लोज है 9 के स्क्वायर के बीच में, इसीलिए हमें 1 और 9 में बड़ा डिजिट लेना है जो कि 9 होता है, और 8 जो कि छोटा नंबर है उसे हमें 10th प्लेस में ले लेना है। फिर हमारा आंसर आ जाएगा कि अंडर रूट ऑफ 7921 होता है 89। ये 2 प्रैक्टिस समय, अगर आपको इसके आंसर्स मिल जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा है देन लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन योर फेवरेट फैक्ट्स। शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। इफ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। माई अकाउंट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।